गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 9, तेनाली पेंट्स अ हॉर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स नो अबाउट तेनाली। तेनाली रामन वॉज अ पोएट एंड जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर। ही वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस। This interesting play provides an example of his wit. तो बेटा तेनाली रामन जो थे वो एक पोएट और जेस्टर थे किंग कृष्ण देवराय के दरबार में। जेस्टर इज अ क्लाउन हु परफॉर्म्स फॉर एन ऑडियंस। सो वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। एंड दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले एंड दिस इंटरेस्टिंग प्ले provides an example of his wit. So characters in this play are King Krishna Deva Rai, Tenali Raman, First Courtier, Second Courtier, Third Courtier, Fourth Courtier. So let's start with the chapter. One day a painter displayed his paintings in the court of King Krishna Deva Rai. The king and his courtiers were impressed with the paintings. The king praised the artist and rewarded him with a bag of gold. तो एक दिन किंग कृष्ण देवा राय के दरबार में एक पेंटर जो है वो अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए आता है। तो किंग और उसके कॉर्टियर्स उस पेंटिंग से बहुत खुश होते हैं और किंग जो है वो इनाम में उस पेंटर को अ बैग ऑफ गोल्ड देता है। हाउएवर वन ऑफ द कॉर्टियर्स तेनाली रामन लुक्ड डिसप्लीज्ड। ही सेड दैट द पेंटिंग्स डिड नॉट सीम गुड टू हिम, दे अपीयर्ड इनकम्प्लीट। लेकिन उनमें से एक कॉर्टियर जो था तेनाली रामन वो उस पेंटिंग से खुश नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि पेंटिंग्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, दे आर नॉट कम्प्लीट। बट द किंग सेड दैट नॉट एवरीथिंग कुड बी पेंटेड, वन मस्ट इमेजिन द बिट्स डैट वर मिसिंग। लेकिन किंग का कहना था कि हर चीज़ को पेंट नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें इमेजिन करनी पड़ती हैं। तेनाली टोल्ड राजा कृष्ण देवराय डैट ही वॉज श्योर ही कुड पेंट बेटर देन द आर्टिस्ट। द किंग सेड डैट ही कुड बेट हिम अ बैग ऑफ गोल्ड डैट ही कुड नॉट। द किंग वुड गिव तेनाली पेंट्स एंड पेपर। ही कुड ऑल्सो टेक लीव फ्रॉम द कोर्ट फॉर अ मंथ। इफ एट द एंड ऑफ द मंथ तेनाली कुड ब्रिंग हिम अ पेंटिंग डैट वॉज हाफ एज गुड एज द वंस दे हैड सीन एट कोर्ट दैट डे, ही वुड बी रिवार्डेड विद अ बैग ऑफ गोल्ड। तेनाली वुड ऑल्सो रिसीव द टाइटल किंग ऑफ आर्टिस्ट। तो तेनाली जो है वो राजा कृष्ण देवराय को बोलता है कि उसको पूरा विश्वास है कि वो उस आर्टिस्ट से भी अच्छी पेंटिंग कर सकता है, और वो किंग को बोलता है कि वो उससे भी अच्छी पेंटिंग उनको करके दिखाएगा। तो किंग उसको बोलते हैं कि वो उसको इनाम में बैग ऑफ गोल्ड देंगे अगर उसने ऐसा किया, और किंग तेनाली को बोलते हैं कि वो उसको पेंट और पेपर भी देंगे और उस वो कोर्ट से वन मंथ की लीव भी ले सकता है। और उसके बाद मंथ के एंड में तेनाली को एक ऐसी पेंटिंग बना के लेके आनी है, अगर वो आर्टिस्ट की पेंटिंग से हाफ भी अच्छी हुई तो किंग उसको इनाम में बैग ऑफ गोल्ड देंगे और साथ में उसको टाइटल मिलेगा किंग ऑफ आर्टिस्ट। सो फाइनली द डे व्हेन तेनाली रामन वॉज सपोज टू शो हिज पेंटिंग्स अराइव्ड, इट वॉज लेट एंड तेनाली हैड नॉट अराइव्ड। तो फाइनली वो दिन आ जाता है जब तेनाली रामन को अपनी पेंटिंग्स लेकर कोर्ट में आना था।
तो तेनाली जो था वो लेट था और अभी तक पहुंचा नहीं था। द कॉर्टियर्स वर डाउटफुल डैट ही वुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ पेंटिंग। दे वर प्लीज्ड थिंकिंग डैट तेनाली वुड हैव टू पे अ फाइन ऑफ बैग ऑफ गोल्ड टू द कोर्ट। तो कॉर्टियर्स जो थे वो बहुत डाउटफुल थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या तेनाली ने पेंटिंग की होगी, और वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि तेनाली ने अगर पेंटिंग नहीं की होगी तो उसको फाइन में बैग ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा। देवर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट जस्ट देन तेनाली एंटर द कोर्ट विद टू मैन कैरिंग अ पेंटिंग कवर्ड विद अ शीट ऑफ क्लोथ। तेनाली आस्क द मैन टू लिफ्ट द क्लोथ टू डिस्प्ले एन एम्प्टी कैनवस। तो कॉर्टियर्स अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी तेनाली जो है वो कोर्ट में आता है, और उसके पीछे पीछे दो आदमी होते हैं जिन्होंने पेंटिंग को पकड़ा होता है और उसको क्लोथ के साथ कवर किया होता है। तो तेनाली जो है वो उन आदमियों को उस पेंटिंग से कपड़ा हटाने के लिए बोलता है। द पेंटिंग हैड ओनली अ फ्यू कर्व्ड स्ट्रोक्स ऑफ ब्लैक ऑन द राइट हैंड एज एंड अ फ्यू लाइन्स ऑफ ग्रीन एट द बॉटम। सो एज यू सी इन द पिक्चर द पेंटिंग हैड ओनली अ फ्यू ब्लैक कर्व्ड स्ट्रोक्स एंड अ फ्यू लाइन्स ऑफ ग्रीन एट द बॉटम, नथिंग एल्स। तेनाली आस्क्ड द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स टू लुक एट द ब्यूटिफुल हॉर्स ही हैड ड्रॉन। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टेलियन विद अ वाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड। तेनाली ऑल्सो ड्रू अटेंशन टू इट्स पॉलिश लेदर सेडल। तो तेनाली जो है वो किंग को और कॉर्टियस को उस पेंटिंग के बारे में बताने लग जाता है कि इस पेंटिंग के अंदर एक हॉर्स ड्रॉ किया हुआ है, बट पेंटिंग के अंदर कोई हॉर्स ड्रॉ किया हुआ नहीं था। सो द किंग वॉज एनॉयड विथ तेनाली। ही सेड डैट ही कुड नॉट सी एनी हॉर्स एंड डैट तेनाली वॉज ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ हिम। तो किंग जो है वो तेनाली से नाराज हो जाता है, वो कहता है कि पेंटिंग के अंदर तो कोई हॉर्स है ही नहीं है और तेनाली जो है वो उनको मूर्ख बना रहा है। तेनाली रिमाइंडेड द किंग डैट ही हैड बीन द वन टू टेल तेनाली डैट वन हैड टू यूज वंस इमेजिनेशन वाइल लुकिंग एट पेंटिंग्स। तो तेनाली किंग को याद दिलाता है कि आप ही थे जिन्होंने मुझे बताया था कि हर चीज़ को पेंट नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती हैं। द किंग ought टू इमेजिन डैट द रेस्ट ऑफ द होस्ट वॉज जस्ट आउटसाइड द कैनवस ग्रेजिंग एट सम लश ग्रीन ग्रास। तो तेनाली कहता है कि अब आपको ये इमेजिन करना है कि जो हॉर्स है वो पेंटिंग के बाहर है। द राजा एडमिटेड डैट तेनाली हैड गॉट द बेटर ऑफ हिम। तो राजा ये बात मान लेता है कि तेनाली ने अपने आप को किंग से ज़्यादा बेटर प्रूव कर दिया है। ही सेड तेनाली वॉज द क्लेवरेस्ट मैन इन हिज किंगडम एंड रिवार्डेड हिम विद अ बैग ऑफ गोल्ड। तो वो कोर्ट में अनाउंस करता है कि तेनाली जो है उसकी किंगडम में सबसे क्लेवर आदमी है और उसको इनाम में बैग ऑफ गोल्ड दे देता है। सो चिल्ड्रन होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरोली, अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फाइंड आउट देयर मीनिंग्स।